जय प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको इंडियन नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। अभी तक प्यारे बच्चों आपने समांतर श्रेणी के 3 लेक्चर देख लिए हैं, 2 प्रैक्टिस सीट को देख लिया है। अब आप प्रैक्टिस सीट नंबर 3 डिस्कस करेंगे आज। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। जैसा कि हमारे पुराने व्यूवर्स जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पर 4-5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और कोशिश करना कि 4-5 मिनट वीडियो को रोक करके आप पहले कॉपी कलम लेकर के स्वयं इन प्रश्नों को सॉल्व करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें और अपने आंसर का मिलान करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आइए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे कहा जाएगा कि दो नंबर हमारे पास ए और बी हैं, इनका समांतर माध्य यानी कि अर्थमैटिक मीन ए आपसे पूछा जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये होता है दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे। यदि हमारे पास 3 नंबर्स होते ए बी सी और आपसे कहा जाता कि इसका समांतर माध्य बताइए, तो प्यारे बच्चों ये हो जाता, तीनों नंबर्स को जोड़ देते और फिर 3 का डिवाइड कर देते। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहला जो नंबर x प्लस वाई है और दूसरा है x माइनस वाई। जैसा कि आपने अभी देखा कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई और डिवाइडेड बाई 2। प्लस का वाई माइनस के वाई से कैंसिल हो गया, ऊपर आ रहा है x x 2x और डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हुआ, आपका रिजल्ट आ गया है x, यानी कि पहले वाले का जो हमारा विकल्प है वो ए सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ यदि a कॉमा b कॉमा c एपी में हो, यानी कि समांतर श्रेणी में हो, तो 1/BC कॉमा 1/CA कॉमा 1/AB ये किस श्रेणी में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में या किसी में भी नहीं होंगे। देखिए एक प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये सवाल कराते हैं। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि आपसे कहा जाए 1, 2, 3, आपसे ये कहेंगे कि ये एपी में है, तो नियम सुन लीजिएगा क्या है। यदि हम इस 1, 2, 3 ये जो एपी में है, इसमें हम किसी भी एक निश्चित संख्या का गुणा कर दें, किसी भी एक निश्चित संख्या का भाग दे दें, किसी भी एक निश्चित संख्या को जोड़ दें या किसी भी एक निश्चित संख्या को घटा दें, ये 4 ऑपरेशन हम करें। फिर से सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि आपसे कहेंगे 1, 2, 3 एपी में है, तो कोई भी एक निश्चित संख्या को गुणा कर दे हर एक पद से, या हर एक पद में के का डिवाइड करा दे रहे हैं किसी निश्चित पद का, या किसी निश्चित पद को जोड़ दे या किसी निश्चित पद को घटा दे, तो परिणाम में जो श्रेणी मिलती है वो श्रेणी एपी ही रहती है। क्लियर बच्चों, अब आइए इसको समझ लेते हैं। यहां पर आपसे कहा गया 1/BC, 1/CA, 1/AB किस श्रेणी में होंगे। तो देखिए बच्चों, और हाँ एक बात है, हमसे ये कहा गया था कि ABC एपी में। देखिए मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया कि ABC एपी में, मैं क्या करता हूं, तीनों पदों में ABC का डिवाइड करा देता हूं। तो क्या बच्चों अभी आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था उसके हिसाब से आपको क्लियर है कि किसी निश्चित पद का अगर हम भाग दे देते हैं तो भी एपी बनी रहती है, श्रेणी अभी भी एपी है। हमने इसको कैंसिल कर दिया, यहां बी कैंसिल और यहां सी कैंसिल, क्या मिल रहा है 1/BC, 1/CA, 1/AB। तो अभी तक बेटा ये कौन सी श्रेणी प्राप्त हो रही है, एपी हो रही है। तो हमारे पास ये देखिए इसका कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ यदि किसी एपी में पदों की कुल संख्या 2n+1 हो, तो इसके वसम पदों के योग एवं सम पदों के योग का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर ये शॉर्टकट आता है तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा। देखते हैं आपको क्या करना है। बेटा यहां पर जो पद है एपी में, श्रेणी जो थी उसमें कुल कितने पद थे, वो 2n+1 पद है। अगर हम n की जगह यहां कोई वैल्यू मान लें, सपोज करिए हम n की जगह पर यहां पर सपोज कर लेते हैं 2, सपोज कर लेते हैं n की जगह हमने 2 सपोज कर लिया, तो 2 × 4 = 5, यानी कि श्रेणी में हमारे कितने पद हैं, 5, और ये एपी श्रेणी है। चलिए देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 इस एपी श्रेणी में 5 पद हो गए। अब हमसे कह रहे थे उसके विषम पदों के योग, तो विषम पद देख लेते हैं, विषम पद है 1, 3 और 5, 5, 3, 8 और 1, 9, ये विषम पदों का योग हो गया। बटे में कह रहे हैं सम पदों के योग का अनुपात, तो सम पद है 2 और 4, ये हो गया बेटा हमारे पास जाकर के 6, आपने डिवाइड करा दिया, कितना हो गया 3/2, ये अनुपात आ गया। अब क्या करना है, n की वैल्यू हमने जो 2 डाली थी हम अपने चारों विकल्पों में डाल देते, तो पहले वाले में डाला तो हमें कितना मिल रहा है 2/3, दूसरे में डाल दिया तो हमें मिल गया 3/2, तीसरे में n की वैल्यू को 2 डाला, 2 × 4, 4/3, फिर हमने यहां पर डाला n की वैल्यू को 2, 2 × 1 = 3 और 3/3 ये हो गया जाके 4।
अब आपको कौन सा सही है? आपका बेटा जो 3:2 यानी कि 3/2 आएगा, ये जो 3/2 आएगा यही विकल्प हमारा सही होगा, ये कि बी वाले विकल्प में आ रहा है, n+1/n। देखा आपने कितना सरल क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बेटा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 60 और 360 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो आइए बच्चों इसे देखते हैं, 60 और 360 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बेटा एक गजब के शॉर्टकट से आपको समझाते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, बिना कलम उठाए आपको इसका जवाब मिलेगा। देखते हैं, आपसे कहा गया 60 और 360 इसके बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी। सबसे पहली बात यह कि 60 और 360 के बीच में हमारे पास कितनी संख्याएं आ रही हैं टोटल, वो संख्याएं हो रही हैं 300। किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है, 360 और 60 को आपने इससे माइनस कर दिया, कुल 300 संख्याएं हैं हमारी। यहां 60 और 360 के बीच में कुल की संख्याएं हो गई 300। क्लियर है प्यारे बच्चों? सीधी सी बात यह है कि इसमें से आधी संख्याएं सम होंगी और आधी संख्या विषम होंगी। कुछ भी नहीं करना था, कह रहे हैं कितनी विषम संख्याएं होंगी, ये हमारा बी वाला विकल्प सही है, 150 विषम संख्याएं होंगी। देखा आपने कितना कम और कितने साधारण से मेथड से आपको इसका जवाब मिल गया, कितने कम समय में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 को देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है 1+7+3+10+5 कह रहे हैं इसके 30 पदों तक का योगफल क्या होगा। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमसे कह रहे हैं 1+7+3+10+5+13+7+16 आपसे कह रहे हैं 230, ये 30 टर्म्स यानी कि 30 पद हैं, 30 पदों तक का योगफल चाहिए। बेटा प्यारे बच्चों हमने क्या काम किया, इसके दो दो पदों को जोड़ लिया आपस में, ये कितना मिल गया है 8+10 और 3 ये हो गया 13+13+5 18 एंड सो ऑन, और इसमें बेटा 30 पद थे, मैंने पेयर बनाए हैं, तो जब 30 में दो दो पदों का पेयर बनेगा तो इसमें बेटा कितने हो जाएंगे, 15 टर्म्स हो जाएंगे। अब आपको ये सवाल का उत्तर निकालना है, क्या करते हैं SN=(n/2)n तो हो गए 15 पदों तक का था, 15/2 2a की जगह पर 8 है, n-1 × d 2a+n-1 × d n की जगह 15 में 1 गया 14 और d यानी कि कॉमन डिफरेंस बेटा ये 5 का यहां पर अंतर आ रहा है, 14 × 5=70 और 16 ये हो गए 86, 15/2 और फिर आगे ये 86, 2 से आपने इसका डिवाइड करा देना है 43 हो गया। बेटा 43 में 15 का गुणा करेंगे, 15 × 3=45 5 हासिल हो गया 4, 15 × 4=60 और 4 हो गया 64, 645 645 ये हमारा ए वाला विकल्प आ रहा है सही। ठीक है इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही गजब का ट्रिक है, आइए देखते हैं। कह रहे किसी एपी के प्रथम 13 पदों का योग 21 तथा प्रथम 21 पदों का योग 13 है, तो प्रथम 34 पदों का योग क्या होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 सेकंड में होगा, अगर आपने इसको मेथड से लगाना शुरू किया, आपको शॉर्टकट की जानकारी नहीं है, तो यह क्वेश्चन आपका 2 मिनट तो कम से कम ले ही लेगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया हमसे कि प्रथम 13 पदों का योगफल 21 है, दूसरी जानकारी कही गई कि प्रथम 21 पदों का योगफल 13 है, तो प्रथम 34 पदों का योगफल क्या होगा। प्यारे बच्चों ये शॉर्टकट मैंने आपको पहले हमारे लेक्चर को देखिएगा, पहले लेक्चर मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था, क्या था प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं वो देख लें हमारे चैनल पर, जो नए हैं अभी उनको समझ में उनको भी आ जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि यदि पी पदों का योगफल किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल क्यू तथा क्यू पदों का योगफल पी हो, तो पी प्लस क्यू पदों का योगफल -p+q हो जाता है। ये शॉर्टकट आपको मैंने सिखाया था। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसको बेटा हम लोग p कह रहे हैं और इसे q कह रहे हैं, तो ये p तो p हो गया, 13 को मैंने आपसे कहा कि मैं p कह रहा हूं, 21 को मैं q कह रहा हूं, तो यहां पर देखिए 34 को हम क्या लिखेंगे, 13 + 21 2 3 1 4 और 2 1 3 34 हो गया, ये देख लीजिए आप। तो बेटा आपका एकदम एग्जैक्ट सेट है, तो उत्तर क्या मिलना चाहिए हमें, उत्तर मिलना चाहिए माइनस में p+q यानी कि
बेटा यही तो आ जाता है पी प्लस क्यू। देखिए सेम आ गया, यानी कि 34 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सिंपल सा है ये, हमारा सी वाला विकल्प सही है। देखा आपने कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है प्रथम 64 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है बेटा, उसका सूत्र होता है एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। यहां पर एन जो प्राकृतिक संख्या है वो यहां पर बेटा कह रहे हैं 64 है, एन की जगह आपको बेटा सिंपल सा 64 रख देना है। 64 और एक ये हो गया 65 और 2 का भाग चला जाएगा, ये हो जाएगा 32। कोई किसी के मन में डाउट तो नहीं यहां तक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32 में मल्टीप्लाई होना है 65 का, 5 से 5 में बेटा इसको 5 दूने 10, ये हो गया 1, 3 पच्चे 15 और 1 16, फिर हमने 6 का गुणा किया, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 तीक 18 और 1 19, ये आया 0, 6 और 2 ये हो गया 8, 9 1 10 0 हासिल इधर 1 20 80। तो प्यारे बच्चों 20 80 हमारा यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ यदि एपी यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का जो योग है, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा पहले तो आपको इसका शॉर्टकट समझा देता हूं, तो क्वेश्चन आपको देख करके ही आपको बिल्कुल मार्कर कलम नहीं चलाना पड़ेगा, बिल्कुल कलम नहीं चलाना। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है यदि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ए एन स्क्वायर प्लस बी एन होता है तो आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात है कॉमन डिफरेंस डी, तो बेटा ये डी होता है एन स्क्वायर का जो गुणांक है उसका दो गुना यानी कि 2a हो जाता है। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि nवां पद क्या होता है, nवां पद होता है 2an plus b minus a। ये दोनों आपको बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत ही कम समय लेगा बेटा आपको, मैंने ये बता दिया तो इससे क्या होगा आपकी क्वेश्चन नंबर आपका 9th वाला भी सॉल्व हो जाए। अब आइए अब इसको देख लेते हैं। अगर आपको ये मैंने मेरा जो कॉन्सेप्ट समझाया उसको आपको समझ में लेना है तो आपको यहां पर देखिएगा कितने देख करके ही उतना देख के आपको आंसर मिल जाएगा इसका। देखिए एन स्क्वायर का गुणांक कितना है, क्यों है, जैसे एन स्क्वायर का गुणांक क्या था, ए था, तो सर्वांतर क्या हुआ इसका दो गुना, एन स्क्वायर का गुणांक का दो गुना, तो एन स्क्वायर गुणांक क्यों हो गया, उसका दो गुना कर दीजिए हो गया 2q। बस सिंपल सा उत्तर मिल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। देखिएगा 9th में आपका ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मैं इधर थोड़ा सा जगह बना लेता हूं, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन समझाने मुझे आइए, मैं इसको रफ भी कर देता हूं। चलिए आइए अब देखते हैं, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर ये जो था 9th वाला कह रहे हैं एपी श्रेणी के एन पदों का योग, तो एन पदों का जो योग है ये तो आपको यहां पर दिया जा रहा है। अगर आपको बेटा एन पदों का योग दिया जा रहा है तो आप बताइए कि आपका जो एनवा पद है वो क्या हो जाएगा, 2an, देखिए यहां पर ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 6n और 5 में से 3 जाएगा ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 6n plus 2। अब आपसे सवाल में कह रहे थे जो एमवा पद है वो 164 है, तो एन की जगह क्या है एम कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 6m plus 2, ठीक है, और बराबर में कितना लिखा था 164 लिखा था, तो 6m की वैल्यू हो गई बेटा, ये जब दो उधर जाएगा तो 162 होगा, m की वैल्यू हो गई 162 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, तो 6 दूनी 12, यहां पर बचेंगे 4 और 2 42 हो गया, 7 छंग 42, तो m की वैल्यू हो गई आपके पास जाकर के 27, ठीक है, 27 यानी कि हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं पहले यहां पर रब कर देता हूं फिर मैं आपको इसको अच्छे समझा देता हूं। आइए बच्चों इस प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 and so on, कह रहे हैं इसके n पदों का योग क्या होगा। इसको शॉर्टकट की मदद से करते ही क्वेश्चन हमारा बहुत कम समय में सॉल्व होगा। सिंपल सा बेटा n की वैल्यू को हम 1, 2, 3 कुछ भी लेट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमारे 1 से ज्यादा जो ऑप्शन होते हैं वो मिलने लगते हैं, तो हम n की वैल्यू को 1 ना लेकर के हम 2 से शुरुआत कर लिया करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन एक बार में हमें आंसर मिल जाएगा, हमें दूसरी बार चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है 100% तो नहीं, फिर भी मैं कह लूं 99% हमें n बराबर 2 रखने पर सिंपल सा हमें जवाब मिल ही जाता है। चलिए n बराबर हम 2 रख के चेक कर लेते हैं। n बराबर 2 का मतलब है कि यहां पर अगर हमने n बराबर 2 रखा तो इसका मतलब वो दो पदों तक का योग, तो दो पद क्या हो गए, ये हो गए दो पद, ये पहला और ये दूसरा, तो 3 1 4 और 1 5,
यानी कि हमें जो योग मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। अब हम इनकी वैल्यू अपने 4 ऑप्शन में डालेंगे, जहां से 5 मिल जाएगा वो हमारा उत्तर सही होगा। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होगा जहां 5-5 मिल रहा है तो हमें n बराबर 3 रख के चेक करना पड़ जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं n बराबर हमने क्या रखना है बेटा, 2। चलिए n बराबर हम 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, पहले ऑप्शन में 4 मिल रहा है, यहां n बराबर 2 रखा तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये हमें दूसरे से 12 मिल रहा है। यहां पर हमने n बराबर 2 रखा तो 2 से 2 तो कट गया, 2 एक 3, 3 का स्क्वायर ये हो गया 9। अब हम लास्ट वाले में चलते हैं, एन की वैल्यू को मैंने 2 रखा तो 2 और 2 एक 3, फिर यहां पर रखा 2 दूनी 4 और 1 5 और बटे में आ रहा है 6, 3 दूनी 6 कट गया यानी कि 5 आ रहा है। ना यहां 5 था, ना यहां था, ना यहां था, केवल इसी डी वाले में 5 था, इसका मतलब हमारा यही उत्तर हो गया। ठीक है, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप में से अधिकांश बच्चों ने 10 के 10 के जवाब दिए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।